दोस्तों भारत में एक ऐसा चमत्कारी नदी है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो बताती हूँ, दरअसल कहा जाता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं होता है, और व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। मान्यता के अनुसार भारत में एक ऐसी नदी है जहाँ से निकला हर एक पत्थर शिवलिंग माना जाता है। ग्रंथों में इस नदी को नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि गंगा में नहाने से जो फल मिलता है वही फल नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी से निकला हर एक पत्थर शिव जी का प्रतीक है। यहाँ से निकले पत्थरों को शिवलिंग के रूप में स्थापित करके इनकी पूजा की जाती है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तब नर्मदा जी ने कहा कि आप मुझे गंगा नदी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी का समानता कर ले, और कोई दूसरी नगरिका से पूरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नर्मदा जी उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग को स्थापित करके तप करने लगी। उनके इस तप से भगवान शंकर खुश हुए और प्रकट होकर नर्मदा जी से कहा कि वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा कि कुछ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा जी की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग के रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान करने से और सरस्वती 3 दिन के स्नान करने से सभी पापों का नाश करती हैं, मगर तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। सभी शिवलिंग में से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होगी। नर्मदा नदी से निकले हर कंकर शंकर के रूप माना जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ से कई बार ओम लिखे हुए वे शिवलिंग भी निकलते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और महादेव का चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।